नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई 2022 इनकम टैक्स के रिटर्न के साथ आपको ये दो फॉर्म भी फाइल करने होंगे, फॉर्म 9 फॉर्म 10। आखिर क्या है ये फॉर्म 9 और फॉर्म 10, और ये हमें कब तक फाइल करने हैं, यानी 31 जुलाई तक फाइल भी अगर करने हैं तो क्यों करने हैं। दोस्तों इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिये ये जो डेट्स हैं, ड्यू डेट्स, ये बहुत क्रूशियल होती हैं। हम अगर टैक्स प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी हैं, या एडवोकेट हैं, सीएमए हैं, टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने क्लाइंटों को सारी डेट्स बताएं। सिर्फ यह नहीं कि इनकम टैक्स की ड्यू डेट 31 जुलाई है, इनकम टैक्स के अलावा क्या आपको भी मालूम था कि फॉर्म 9 या फॉर्म 10 भी फाइल करना होता है। हो सकता है कि आपका कोई क्लाइंट ऐसा हो, और यदि आपका नहीं भी है लेकिन आप सोशल मीडिया में तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपके पास कितनी सारी नॉलेज है। आप औरों को भी बता सकते हैं कि भाई देखो ये भी ड्यू डेट्स हैं, और मे बी उनमें से कुछ आपको कॉल करके पूछ भी लें कि सर ये ड्यू डेट्स है, ये फॉर्म 9 फाइल करना है, फॉर्म 10 फाइल करना है, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। और मैं जहां तक समझता हूँ किसी भी टैक्स प्रोफेशनल के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्म 9A और फॉर्म 10 के बारे में। तो फॉर्म 9A और फॉर्म 10, यदि आप ट्रस्ट हैं, यानी ये बेसिकली फॉर्म जो फाइल किए जाते हैं ट्रस्ट के द्वारा फाइल किए जाते हैं, तो यदि ट्रस्ट है और उनकी कोई इनकम मिलती है किसी प्रॉपर्टी से, तो उससे रिलेटेड ये दो फॉर्म होते हैं, फॉर्म 9A और फॉर्म 10। तो फॉर्म 9A क्या होता है, अगर आप इसमें पढ़ें तो एप्लीकेबल, फॉर्म 9A एप्लीकेबल किसके ऊपर है, एप्लीकेबल इन फॉर्म 9A फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन अवेलेबल अंडर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11(1) टू अप्लाई इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन द नेक्स्ट ईयर और इन फ्यूचर। तो ये फॉर्म 9A जो फाइल करना है वो ट्रस्ट को फाइल करना है यदि उसकी कोई प्रॉपर्टी से इनकम होती है पिछले सालों से रिलेटेड, जो कि वो अब करंट ईयर या फ्यूचर में उसे लेना चाहता है। इसी प्रकार फॉर्म 10 जो होता है, फॉर्म 10 जो स्टेटमेंट होती है, टू बी फर्निश्ड टू एक्यूमुलेट इनकम फॉर फ्यूचर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10(21) और सेक्शन 11(1). तो जो आपकी एक्यूमुलेटेड जो आपकी इनकम है, जिसको अभी आप क्लेम नहीं कर रहे हो, फ्यूचर में आप क्लेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्म 10 फाइल करना होता है। तो ये दो फॉर्म है, फॉर्म 9 या फॉर्म 10, जो कि आपको 31 जुलाई 2022 तक फाइल करने हैं। और ये उन सभी एसएससीज को फाइल करने हैं जिनकी आईटीआर की ड्यू डेट 31 जुलाई 2022 है। यानी कि ट्रस्ट अगर आपका है और उसकी ड्यू डेट अगर 31 जुलाई 2022 की होती है, क्योंकि अगर आपको कोई ऑडिट वगैरह नहीं होता है तब आपको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करनी है, तब आपको ये दोनों फॉर्म भी साथ में ही फाइल करने होंगे। और दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम इस तरह के जो प्रॉफिट, जो डिजाइनर्स ब्रांडिंग है, जो डिजाइनर्स पोस्टर्स हैं, वो आपके लिए भी तैयार करते हैं। जी हाँ, आप भी चाहें तो हमारी सर्विस को ले सकते हैं जिसकी कीमत लगभग बैठती है ₹200 per month, और इसमें आपको पूरे महीने में लगभग 30 से ज्यादा आपको पोस्टर्स मिलते हैं, जिसमें आप अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ या आपके बिजनेस का लोगो भी आप दे सकते हैं, और आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने नाम के साथ, अपने ब्रांड के साथ सोशल मीडिया पे, चाहे वह फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या आपका लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, या आपका व्हाट्सएप हो। तो दोस्तों देर मत कीजिए, सबसे पहले तो अपने क्लाइंट को बताइए कि भाई ये हमारी ड्यू डेट्स हैं, और दूसरा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो करे। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं हम आपसे इजाजत। हमारे इसी प्रकार ड्यू डेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि भैया ये भी एक ड्यू डेट आ गई है, आपको ये फॉर्म्स भी फाइल करने हैं। धन्यवाद।